हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आए थे ढाबा, तो आज हम आपको दिखाते हैं ढाबे में किस प्रकार से, किस तरह की स्पेशल सब्जी बनती है। तो हमने ऑर्डर किया था शाही पनीर, तो दिखाते हैं शाही पनीर और रोटी। तो रोटी आने वाली है, शाही पनीर आ चुकी है, तो दिखाते हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, लेट्स गेट स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये शाही पनीर है और ये चिली पनीर है, थोड़ा स्पाइसी है। और इसमें चिली पनीर में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मटर क्यों डाल दिए, थोड़ी स्पाइसी है और वो भी है। और रोटी भी आ चुकी है, तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है, क्या कैसा है। तो सबसे पहले हम शाही पनीर को लेते हैं प्लेट में। और लेते हैं रोटी, तंदूरी रोटी। इसको हम टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है, ढाबे का स्पेशल कैसा टेस्ट रहता है, कैसा जायका है, उसको हम टेस्ट करके बताते हैं। रोटी पुरानी ढाबे का जो टेस्ट होता है वो प्रॉपर उसी तरह रहेगा, क्योंकि जहाँ पे हम आए हैं उसकी विशेषता है कि यहाँ का खाना थोड़ा अच्छा मिलता है और साफ़ सफाई का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो शाही पनीर का जो प्रॉपर टेस्ट होता है कि शाही पनीर बहुत ही टेस्टी और मीठी होती है, तो उसी तरह का प्रॉपर टेस्ट है। मैंने अभी तक जितनी भी शाही पनीर खाई थी उससे लगभग कंपेयर करें तो लगभग उसी टक्कर की, उसी के मुकाबले की है। तो आप लोग अगर कभी भी ढाबे में जाइए तो वहाँ की साफ़ सफाई को देखते हुए ही वहाँ पे एंटर करिए, क्योंकि अगर साफ़ सफाई है तो फिर खाना बेस्ट बनेगा। तो अब हम ट्राई करते हैं, हमने अभी मंगाया है फ्राई चावल, तो देखते हैं कि चावल किस तरह से रहता है। फ्राई चावल प्राइस देखते हैं, प्राइस क्या है। रोटी तो मेरे हिसाब से 6 रुपए की एक पड़ रही है, तो टेस्ट उस जिस तरह से रहती है तंदूरी का उसी हिसाब से है। तो चावल मंगाते हैं और चावल और पनीर टेस्ट करके आपको बताते हैं। तो फाइनली हमारा जीरा राइस आ चुका है, तो इसे लोग बोलते हैं फ्राई तो है बट घी से नहीं है, ऑयल से किए हैं। चलिए इसका हम ट्राई करते हैं। हम इसे ट्राई करेंगे शाही पनीर के साथ। प्रॉपर टेस्ट है, जैसा टेस्ट होना चाहिए, शानदार टेस्ट है। ढाबे की खासियत जो होती है उसी हिसाब से इसे बनाया गया। अच्छा है, चावल है, मतलब नॉर्मल रेट है, ज़्यादा रेट नहीं है, 40 रुपये है हाफ जीरा राइस है। और टेस्ट अच्छा है, अगर टेस्ट अच्छा है तो फिर पैसे मायने नहीं रखते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपके नियरेस्ट ढाबा कहाँ पर पड़ता है और क्या क्या प्राइस के वहाँ पर कौन कौन से आइटम, कौन कौन से फूड मिलते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।